सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर पर लगने वाला लखी मेला 11 मार्च से शुरू हो रहा है। ये मेला 10 दिनों तक चलेगा। इसके लिए कई गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। जिला प्रशासन ने इस बार कई चीजों पर रोक लगाई है। जी हाँ, इस बार सुरक्षा कारणों के चलते खाटू श्याम के लखी मेले में आने वाले श्रद्धालु 8 फीट से अधिक ऊंचा निशान नहीं लगा सकेंगे। इसके साथ ही कांच की शीशी और डीजे पर भी रोक लगा दी गई है। दरअसल इसको लेकर कई बार विवाद भी हो चुका है। ये फैसला खुद सीकर के कलेक्टर कमर उल जमाल चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है। साथ ही श्रद्धालुओं को जूते चप्पल गाड़ी में ही खोलकर आने के लिए कहा गया है। मेले में दर्शन निकास व्यवस्था सुधारने के लिए इस बार 2 लाइन गुबार चौक और 4 लाइन मुख्य बाजार होते हुए जैन मंदिर वाली गली से होकर जाने हैं। अन्य लाइन नवीन निकास मार्ग से निकाली जाएंगी। चिकित्सा विभाग की यह रहेंगी व्यवस्थाएं। सीकर जिलाधिकारी ने चिकित्सा विभाग को भी आदेश दिए हैं कि मेले में जो भी प्राइवेट कैंप लगाए जाएं, उनकी पूरी मॉनिटरिंग की जाए। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों की डिग्री की भी जांच होनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कोई फर्जीवाड़ा हो रहा है। MRP से ज्यादा रेट के सामान बेचने वालों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि खाटू श्याम मंदिर परिसर के आसपास महंगी पानी की बोतल भी बेची जाती है और इसको लेकर भी कई बार यहाँ विवाद हो चुका है। पार्किंग के लिए किए गए हैं विशेष इंतजाम। श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ को देखते हुए पार्किंग के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। आए दिन यहाँ पर पार्किंग को लेकर के विवाद होता रहता है। मेले में पार्किंग निशुल्क रहेगी और नो व्हीकल जोन में किसी भी प्रकार के वाहन नहीं जा पाएंगे। मेले में 150 रोडवेज बसें लगी रहेंगी। वहीं प्राइवेट बसों के लिए स्थान निर्धारित कर दिया गया है। मेले के दौरान शाम कुंड बंद रहेगा। साथ ही भंडारे को लेकर के उपखंड अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। इसके बाद ही भंडारा यहां पर किया जा सकेगा। मेले में रोडवेज से आने वाले भक्तों को किराए में 50% की छूट भी मिलेगी।